कोरोना वायरस के चलते जहां लोग घरों में बंद हैं, वहीं लोगों के काम भी बिल्कुल बंद है और चोरों की तरफ से अभी भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामला है अमृतसर के रंजीत एवेन्यू का। रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने कहा है कि ये जो दो युवक गिरफ्तार किए गए हैं और इन दोनों में 4 LCD और 2 सिलेंडर और 4 मोबाइल और 1 कैमरा भी इनके पास से बरामद हुआ। पत्रकारों को जानकारी देते हुए थाना मुखी रोबिन हंस ने बताया कि ये दोनों युवक नशे के आदि हैं और नशे की पूर्ति के लिए चोरियां करते थे और इन दोनों युवकों पर पहले भी मामले दर्ज हैं और अब ये लोग उन घरों को अपना निशाना बनाते थे जो लोग घर पर नहीं रहते थे और उन लोगों के घरों में जाकर उनका घर का सामान बेच देते थे और अब इन दोनों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी नाकाबंदी के दौरान साढ़े सब इंस्पैक्टर ने कुलविंदर जी उन्होंने गश्त कर रहे ही गए, चैकिंग के दौरान उन्होंने देखा 2 मुंडे ही गए रोड़ीवाल पिंड के, एक नरेंद्र सिंह नंदी एक आकाशदीप सिंह ही। वो जा रहे हैं तो उन्होंने को LCD बरामद की मौके तो कैमरा जो देखा लग रहा है कोई चोर वगैरह किया वेरीफाई किया फिर बाद लिया थाने पुछगिछ की उन्होंने दसा कि डी ब्लॉक तो इन्होंने चोरी की उन्होंने FIR दर्ज करके पुछगिछ की गई तो इन्हें दसा कि इन्हें पहला भी चोरिया करते रहे इन्हें काफ़ी समान तक अपने 4 LCD होर बरामद कराई कैमरा साइकिल 2 सिलेंडर 4 मोबाइल इन्होंने बरामद कराए रोड़ीवाल पिंड के रहने वाले। अच्छा 2 रोपी ने बाकी अगर जो समान बेचते आप उन्होंने करा नामजद करा परचे इन्हें है कंबोल थाने परचे दर्ज हैं NDPS से होर चोरी के मुकदमे दर्ज है इन्होंने इन्हें अराउंड 4 परचे दर्ज है इन्हें कोई 4 LCD बरामद हुई 2 सिलेंडर बरामद हुए मोबाइल बरामद हो साइकिल बरामद हो जे सा को दर्ज है कहने अराउंड 2 मुकदमे दर्ज है पहला तो एक सिविल लाइन का मुकदमा दर्ज है जितों इन्होंने एक अजीत हॉस्पिटल अजीत रंधावा हॉस्पिटल तो 2 LCD चोरी की है और एक ब्लॉक के ना LCD चोरी की इनवर्टर बैटरा चोरी किया है उतो यह सारा समान चोरी का लैके अगर बेच दें कि मेरा बोल नशे से है कि कह अपने NDPS के मुकदमे दर्ज इन्होंने पहला जेडे कल अनलॉक लगा हों का खाली घर जे बहर गए हुए इन लोग या फिर इस तरह जो देख लेंगे कि लॉक लगा उतों जाके चोरी करते हूँ तक परचा दर्ज करता इन्हों पेश करावे अच्छे जो रिकवरी तुम दस जी हुई है अगर देखो जो भी अगे आता जो भी रिकवरी होएगी जो बंदे नाम आएगा नाम उन्होंने भी अगर नामजद करके कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट जनहितैषी।